नीचे बदबू भयंकर आएगी रेनबो। नहीं चलें क्या? नहीं नहीं चलेंगे, चलें क्या करेंगे चल के। अच्छा मछलियों का, फिर भी अपन थोड़ा उनको ऐसे सपोर्ट कराएंगे। आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं। 1200 कैलोरीज लगभग लगभग बर्न हो गई हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। शोल्डर मारे थे, ये सामान है इसको पैक कर देते हैं। गाइस जिम से निकल चुके हैं हम, और देखिए लौंडे गाड़ी चला रहे हैं। तैयार हो गए? कहाँ जा रहे हो? भाई समझ लो बीप कर दूंगा ये तुम्हें। अच्छा ये बोलना नहीं है। अच्छा शादी में से आ रहा है। नहीं नहीं भाई, अब तो गोरा दिख रहा है। कितना गोरा दिख रहा है? ये हमारा बल्ली है गाइस। हमने 1200 रुपए लाइट पे खर्च करे हैं। इसका हमें पूरा प्रयोग दिख रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। टोटल तो देख रहे हैं। चलो देखते हैं कहाँ पुल पे रोक ले गाड़ी। चलो भाई इस पुल पे गाड़ी रोकते हैं, फिर आपको पुल दिखाते हैं। रात है पर फिर भी दिखा देंगे हम। लाइट लिए 1200 की तो दिखा ही सकते हैं। उसको छोड़ी गए दोस्त को, छोड़ गए थे भाई। इसको छोड़ गए इसको छोड़ गए ऐसे दोस्त भाई। जी अभी एक्सीडेंट हो गया, उस लोटे को पिटा के छोड़ गया यार। वो दोनों दोस्त भाग गए मेरे की। यार पटी में यार बेचारा वो अलग ही रह गया यार। बेचारा अकेला खड़ा रह गया, वो स्वामी बिन रहा, कुछ बोल भी नहीं पा रहा। दो तीन लपड़ खाए चला गया। अभी थोड़ा हम लेट हो गए कैमरा खोलने, नहीं तो आपको लपड़ का व्यू दिखा दे। बहुत अच्छा सीन हुआ है यहाँ पे। चलो चलो इधर देखिए गाइस, एक बेवड़ा दिख गया हमें। ले ले 1x पे कर ले कैमरा जी। अंकल को कुछ हो गया है। प्रॉपर व्यू देखिए आप इनका। दारू पीना सेहत के लिए बेकार है, आप भी ऐसे हो जाएंगे दारू आपने ज्यादा पी तो। फिलहाल हम आ चुके हैं पीछे इंग्लैंड के शोरूम पे। हमारा लौंडा अंदर गया है कपड़े लेने के लिए। लोहिया लौंडा आ गया। चलो लेके आता है, फिर निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं आज क्या होता है। गाइस ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी के आगे काव घूम रही है और हम यहाँ पे शेक पी रहे हैं। सीआर भाई हमारे साथ हैं और देखिए हम पटरियों पे खड़े हुए हैं। कभी भी ये ट्रेन आ सकती है और हमें कुछ चल सकती है। सीआर भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस ट्रेन के बारे में? आ सकती है कि? सही कह रहा है गाइस, जान को खतरा है। आप बताओ यहाँ खड़े रहें या निकल जाए। ये चला इसको चेक करते हैं ना अंदर चल के। उस साइड में और गाइस रात की 8 बज चुके हैं। हम आ चुके हैं बयाताल, नाले का पानी है। हमारे भाई लोग खड़े हुए हैं। टोटल बिल्कुल सीरियस तो ऐसे खड़े हैं जैसे पहली बार आ रहे हो। अभी चौधर पांच वाली बातें चल रही थी, आपको दिखाते हैं अंदर ये क्या मैटर है। अंदर जाते हैं और इसमें एक बहुत गंदी चीज दिखाएंगे जो हमने ऑब्जर्व किया है। क्यों? आराम की व्यवस्था है खाने की? नहीं है आराम की व्यवस्था है, टोटल मछली खाने की। मछली खाने की फ्री की मछलियाँ मिल रही है यहाँ पे। कोई पैसा नहीं देना आपको, कोई चौधर पांच नहीं करना। आराम की मछली खाओ और खा के सो जाओ। फिर सब्सक्राइब कर दो पाजी को, आराम की मछलियाँ खिलाएगा। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे तो मैं बनवाने का खर्चा मैं दे दूंगा। मसाला मसाला मिल जाए मछलियाँ को दिखाता हूँ कहाँ से लाता हूँ। रुको चलते हैं नीचे, फिर दिखाते हैं। सही बात करी गाइस। ये देखिए मछली आपको दिख रही हो तो, ये थोड़ी सी मछलियाँ आपको दिखाते हैं इधर से लिटल लिटल। बाकी इनको जूम करके दिखाएंगे, नीचे चलेंगे। अरे नीचे बदबू भयंकर आएगी रेनबो। नहीं चलें क्या? नहीं नहीं चलेंगे, चले नीचे क्या करेंगे चल के। अच्छा मछलियों का फिर भी अपन थोड़ा उनको ऐसे सपोर्ट कराएंगे कि नहीं। क्या हुआ था? जिंदा एक आध की जान बचा रहे, डॉक्टर पे दिखवा देंगे इन्हें। सब्सक्राइबरों के लिए है सब मछलियां। हां सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री में है गाइस। यहां पे फोटोशूट चल रहा है। स्मेल भी बहुत आ रही है। स्मेल तो यार आ रही है यार, स्मेल का तो मैटर है। लौंडे बढ़िया DSLR PSLR लेके आए हैं। मेरे भाई प्री वेडिंग शूट चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। टोटल भाभियों के फोटो खींच रहे हैं, भाभियों की फोटो खींच रहे हैं। भाभी कुछ चल रहा है, वो लोग भी भाई लौंडे कुछ कर रहे हैं वहां पे भाई। वो भी फोटो शूट पर फोटो तो खींच रहे हैं भाई। ऐसा कुछ लगता नहीं है, बेहतर बहुत कर दी जगह भाई। आदमी जिस हिसाब से आता है ना, लगता है बहुत कर दी जगह हो। क्या कहना चाहेंगे आप? आदमी तो यार देखो भाई, भाभी तो वो जैसी भी खुदाई होती है वहां भी खड़ा हो जाता है। अल्लाह साहब हो रहा है। आदमी जब वहां खड़ा हो सकता है, या तो पानी भरा हुआ नल्ला, पानी भरा हुआ नल्ला, आराम की मछलियां है। ये तो है
आराम के क्वार्टर तुम बाटी जाते हो लोगों को। आदमी वो भी जानता भाई, मिल जाते हैं। वो पता जैकेट बदल के आता हूँ। मेरे से सिकरवार बोलना, जब भी व्लॉग देखता हूँ तू साला जी जैकेट पहनता है। और जब जैकेट बदल के आता हूँ तब तक व्लॉग नहीं बनता। नहीं बना परसों, तब नहीं बना, उसके तीन दिन पहले तब नहीं बना, दिन में काले मेरे थे। अब भैया जो वही कहते ही होंगे भैया, फ्री की दारू नहीं दे रहा यार भाई। कहते हैं एक हमने वीडियो नहीं बनाई थी वो याद है, सब एसबी के बगल वाला भाई, हमने पूछा, हमने पौवे लेके गए, पुलिस उठा लेगी भाई एक आध दिन पौवे बांटने के चक्कर में भाई। बिस्किट बिस्किट बहुत पौवे बट गए, 10-12 पौवे तो हाल एक सेकंड में निकल गए थे। नहीं भाई ठीक है, अभी भी रखे एक दो पौवे, बिस्किट भी रखे हुए खैर बहुत सारे। चलते हैं, चलो इधर बिस्किट अब गोवा वालों को भिजवा दो, गोवा में खाएंगे बिस्किट। हाँ यार आते में उन पे पैसा तो बचेगा नहीं, क्योंकि हार इतना चुके होंगे वो। कौन गया है गोवा? कोई गए हैं कुछ लोग, ब्लॉग में नाम मत लो फिर वो कहेंगे लीक कर दी हमारी प्राइवेसी। बहुत प्राइवेट लोग हैं वो। नीचे चलना पड़ेगा अब तो, बहुत हो गया। गाइस भुट्टे वाले पे आ चुके हैं हम, भुट्टा पैक करा लिया भाई ने। क्या करोगे इस भुट्टे से? नहीं नहीं भाई, मैंने तो कुछ और भी सुना है आजकल भुट्टे से आदमी कुछ और नवाबी शौक नहीं है भाई। नहीं है क्या? बिल्कुल भी गरीब आदमी भाई। वो तो ठीक है, एक बात बताओ पंडित जी, ये जैकेट का क्या राज है? पता नहीं यार, जब गलत जैकेट देखता तभी ब्लॉग में लेता लगता। बूढ़ा काम बता रहे हैं पंडित जी का। गाइस ये जैकेट, ये हमेशा इसी जैकेट में रहते हैं, 4400 रुपए खर्च करे थे इन्होंने, आपको अगर याद होगा 0 degrees पे भाई ने लिया था। बाकी अब पंडित जी की पीढ़ी का इंतजार कर रहे हैं, पंडित जी हमारे टाइम लगा रहे हैं बहुत ज्यादा। सॉरी सॉरी पंडित जी कस्टमर है गुप्ता जी पीढ़ी वाले हैं। कैसी कबला भाई, सही में 10 साल से खा रहा है उनकी पीढ़ी, ऐसा क्या पसंद है इनकी पीढ़ी में तुझे? अरे क्या 10 साल से रोज खा रहा हूँ क्या? तो मतलब भाई महीने में कम से कम 2 बार तो हो जाती होंगी, 2-3 बार महीने में, 2-3 बार ठीक है, फिर भी 10 दिन में एक बार मान लो। चलो भाइयों यहाँ से निकलते हैं, सीधर भाइयों घर छोड़ते हैं और देखते हैं कुछ होता है तो बताते हैं, नहीं तो घर जाते हैं। और भीड़ बहुत लगी आज। हाँ यार भीड़ तो यार बहुत ज़्यादा है, टू मच क्राउडेड है, हमारी गाड़ी का कांच गंदा हो गया है। अच्छा उनसे ही साफ करवाओ। किन से? गुप्ता जी से? नहीं गुप्ता जी से नहीं, बस गुप्ता जी तो ब्लॉग देखते नहीं है अभी, भुट्टे वाले भैया देखते हैं हमारे, जिनसे इनने ये लिया है भुट्टा। उबला हुआ ही ओनली, उबला ही खाता हूँ। अच्छा उबला पसंद है ना तुझे? तो ठीरा तो हमने वो भी दिया था फूड टेस्ट, तूने चेक करके बता रहा है ये अच्छा लगा तुझे। ओके तो गाइस गुप्ता जी को हमने अलविदा कर दिया है, रॉन्ग में हम गाड़ी चला रहे हैं। नहीं लाइट है, ग्रीन है। हाँ मतलब वैसे तो ग्रीन है, बट तो जे आ रहे हैं। हाँ गाइस सॉरी, हम लोग तो सही हैं, ये रॉन्ग है। वी आर ऑलवेज राइट बिकॉज वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। वो तो दिखा दो गुप्ता जी का माल, गुप्ता जी का माल भाई के हाथ में टोटली। क्या हो गया? हाँ नई गाड़ी थी, इसकी नई गाड़ी उड़ जाती है। गाइस ग्वालियर में कोई भी लाल बत्तियों को फॉलो नहीं करता है, पता नहीं क्यों हम करते हैं, बट ग्रीन सिग्नल था। यस यस हम तो ग्रीन सिग्नल था, और नहीं होता तो हम अपनी ये जो हमने लाइट रखी है वो उसको मार देते हैं। हाँ वही वही, हम तो अपनी वही खुद की लाइट दिखा देते हैं ग्रीन, और हमारे लिए सारे सिग्नल आते हैं ग्रीन। चलो अब घर चलते हैं, सीजर भाई को बाय करते हैं, बाय करो सीजर भाई। टोटल इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, गुड नाइट, टाटा, सी यू।